Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn the difference between no and not. अक्सर students confused रहते हैं कि नहीं के लिए कब हमको no लिखना चाहिए और कब हमको not लिखना चाहिए या फिर इन दोनों में क्या फर्क है। तो चलिए friends आज no और not का concept समझें। Friends अगर आप no और not के concept को शानदार तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले आपको नो और नॉट का हिंदी अर्थ समझना होगा, तभी आप इसका सही यूज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। नॉट का मतलब होता है नहीं, जबकि नो का मतलब होता है कोई नहीं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं नो का मतलब होता है नॉट अ या नॉट एन, जबकि या नॉट एनी, यानी नो का मतलब होता है कोई नहीं। आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। फ्रेंड्स यहां पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यह एक मुकाबला नहीं है, इसको दो तरीके से ट्रांसलेट किया गया है जो दोनों सही है। कैसे? दिस इज नॉट अ कंपटीशन, यहां नॉट और अ का यूज किया गया है। लेकिन आप इस सेंटेंस को नो से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दिस इज नो कंपटीशन, आप देख सकते हैं नो नॉट अ की जगह पर आया है, क्योंकि नो का मतलब होता है नॉट अ या एन या नॉट एनी। तो नॉट अ या एन या नॉट एनी की जगह पर आप नो लिख सकते हैं। और यहां आपको एक और खास बात जानना होगा कि नो का जगह कहां होगा, यानी आपके सेंटेंस में नो कहां लिखा जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स नो का यूज हमेशा ए या एन या एनी की जगह पर होता है। जैसा कि आप देखिए कंपटीशन के पहले आया है ए और यहां भी कंपटीशन के पहले आया है नो, तो जो नो का जगह होगा वो ए एन या एनी की जगह पर होगा। कैसे? आइए इस बात को एक और एग्जांपल में समझें। वह खाना पकाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, पहले मैं इसको नॉट से ट्रांसलेट किया हूं। शी डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन कुकिंग फूड, शी शोड नो इंटरेस्ट इन कुकिंग फूड। अब आप देखिए नो किसके लिए आया है, नो नॉट और एनी के जगह पर आया है, क्योंकि नो का हिंदी होता है नॉट एनी या नॉट अ या नॉट एन। और आपको यहां ये भी केयर करना होगा कि नो का जगह कहां है, यानी आपके सेंटेंस में इसको लिखेंगे कहां। तो नो का जगह एनी और या एन इन तीनों में से किसी के जगह पर होता है। इंटरेस्ट के पहले आया है एनी, तो यहां भी इंटरेस्ट के पहले नो का यूज हुआ है, यानी नो का जगह एनी अ या एन होता है। वह कोई मूर्ख नहीं है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज नॉट अ फूल। कई बार जब मैं इसे अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट पूछते हैं कि कोई का अंग्रेजी एनी होता है तो मैंने यहां पर अ क्यों लिखा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि अ का हिंदी एक और कोई दोनों होता है। कई बार अ का यूज कोई के सेंस में होता है। मैंने आर्टिकल के टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां ए एंड द को डिटेल से बताया है। उम्मीद है कि आप वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने उसको आई के सिंबल में रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलने में आप कहीं पीछे न रह जाएं। आइए फ्रेंड्स वह कोई मूर्ख नहीं है, ही इज नॉट अ फूल, आप इसको नो से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप ऐसे बोलेंगे ही इज नो फूल, आप देख सकते हैं कि नो अ और नॉट के जगह पर आया है। क्यों? क्योंकि नो का मतलब यही होता है नॉट अ या नॉट एन या नॉट एनी।
और जरा आप नो की जगह पर भी केयर कीजिए, नो ए के जगह पर आया है, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं फूल के पहले आया है ए और यहां फूल के पहले लिखा गया है। तो फ्रेंड्स अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि नॉट और नो का क्या यूज है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नो का मतलब होता है नॉट अ या नॉट एन या नॉट एनी, यानी नो का हिंदी अर्थ कोई नहीं होता है और नो का यूज नॉट एनी और नॉट अ के जगह पर कर सकते हैं। जैसे उसे कोई औलाद नहीं है, ही हैज नॉट एनी सन। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ही हैज नो सन, ही हैज नो सन। नो सन का मतलब होता है नॉट एनी सन, यानी कोई भी औलाद नहीं है। तो फ्रेंड्स नॉट एनी या नॉट अ के जगह पर आप नो का यूज कर सकते हैं। और आपके लिए ये बात जानना जरूरी है कि आखिर नो का जगह कहां होगा, यानी आप नो लिखेंगे कहां। तो नो हमेशा एनी के जगह पर या अगर वहां पर ए एन में से कोई आया है तो उसकी जगह पर आप लिखेंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सन के पहले एनी है तो यहां सन के पहले नो लिखा गया है। मेरे पास एक कलम नहीं है, इसका ट्रांसलेशन दो तरीके से देखिए, आई हैव नॉट अ पेन। और अगर आप नो का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, आई हैव नो पेन। नो का यहां मतलब हुआ नॉट अ, क्योंकि नो का मतलब होता है नॉट अ या नॉट एन या नॉट एनी। या तो आप नॉट अ लिखिए या फिर आप नो लिखें, दोनों में से कोई करेंगे आपके सेंटेंसेस बड़े आसानी से ट्रांसलेट होंगे। अब नो का जगह क्या होगा, तो आप देख सकते हैं पेन के पहले ए लिखा है और यहां भी पेन के पहले नो आया है, यानी नो का जगह ए या एन के जगह पर होता है। अगर यहां पर एनी है तो एनी के जगह पर होता है, यानी नो का यूज एनी या ए या एन, इन तीनों में से कोई एक होगा और उनके जगह पर किया जाता है। वह काम पर जाने की हालत में नहीं है, आइए फ्रेंड्स यहां पर नो नॉट का यूज देखें। ही इज नॉट इन अ कंडीशन टू गो टू वर्क। आप देख सकते हैं यहां आया है नॉट अ, इसको नो से कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही इज इन नो कंडीशन टू गो टू वर्क। यहां सिर्फ नो के यूज से अ और नॉट दोनों का सेंस हो जाता है, क्योंकि नो का मतलब होता है नॉट अ नॉट एन नॉट एनी। और अब क्वेश्चन है कि नो का जगह कहां होगा, तो नो का जगह ए एन या एनी के जगह पर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंडीशन के पहले ए आया है तो यहां कंडीशन के पहले नो का यूज हुआ है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको नो और नॉट का अंतर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आइए इनके बारे में कुछ और डिटेल लेते हैं। फ्रेंड्स यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी उस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब यस नो में होता है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस का जवाब नहीं में देना हो तो नहीं के लिए नो का यूज किया जाता है। जैसे आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, आप कहेंगे नो, यहां आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। Have you gone to Agra? क्या आप आगरा गए हैं, अगर आपको कहना है नहीं तो आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको कहना होगा नो। Have you taken your breakfast? क्या आपने नाश्ता कर लिया है, अगर आपका जवाब है नहीं तो आप कहेंगे नो, यानी आप नॉट का यूज नहीं करेंगे उस तरह के सेंटेंसेस जिसका जवाब नहीं में होता है। तो ऐसे नहीं के लिए नो का यूज किया जाता है। Using no for noun without an article. Friends, no का यूज उस noun के लिए करते हैं जिनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, जैसे a and the नहीं आते हैं। एग्जाम्पल देखिए I have no idea, यहां पर no का यूज हुआ है क्योंकि यह एक noun है और उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो फ्रेंड्स नो का यूज उस नाउन के पहले होता है जिसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होता।
यहां पर नो का यूज हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन एक नाउन है और इसके पहले कोई भी आर्टिकल ए एंड द नहीं आया है। आप यहां पर नॉट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब नॉट का यूज करेंगे तो यहां पर कोई आर्टिकल देना होगा। तो जब किसी नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आए तो उसके पहले नो का यूज होता है। आई हैव नो रेड पेन। फ्रेंड्स, अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया है और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो हम नॉट का नहीं बल्कि नो का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पेन एक नाउन है और उसके पहले एक एडजेक्टिव आया है, तो अगर कोई नाउन अपने पहले कोई एक एडजेक्टिव लेकर आए और उसके पहले कोई भी आर्टिकल ना हो तो ऐसे कंडीशन में नहीं के लिए नो का यूज किया जाता है। यहां देखिए, टीचर्स ये एक नाउन है और उसके पहले एक एडजेक्टिव आया है, तो जब कोई नाउन अपने पहले कोई एडजेक्टिव लेकर आए और उसके पहले कोई आर्टिकल लेकर ना आए तो ऐसे केस में नहीं के लिए नो का यूज किया जाता है। यानी छोटा में आप ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आए और कोई आर्टिकल ना हो तो नहीं के लिए वर्ड नो का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, वर्बल नाउन्स एंडिंग आईएनजी, यानी ऐसे वर्बल नाउन जो आईएनजी पर खत्म होते हैं उनके पहले नो का यूज किया जाता है। जैसे नो स्मोकिंग, यहां धूम्रपान नहीं होता या मना है। इसका यह भी सेंस होता है, यहां कोई भी धूम्रपान नहीं चलेगा। नो पार्किंग, यहां कोई पार्किंग नहीं चलेगी। नो प्लेइंग, यहां कोई भी खेल नहीं होगा। तो उस तरीके के वर्बल नाउन जो आईएनजी पर खत्म होते हैं उनके पहले नो का यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने नो और नॉट का कंसेप्ट समझा तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताइए यहां पर नो या नॉट कौन भरा जाएगा, यानी इसको आप कैसे लिखेंगे, देयर इज नो लव या देयर इज नॉट लव। सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।